सर आई थिंक अभी अभी वेट कर लेते हैं, अभी बच्चे नहीं आए तो आप अभी रिकॉर्डिंग पे ना करें इसको। चलेंगे ठीक है, मैं शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने पढ़नी है पंजाबी और मुझे उम्मीद है आप लोग इसमें काफी एंजॉय करेंगे। पहले हम इसका पंजाबी का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है। चलें तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं कि पंजाबी का सिलेबस कौन कौन सा है, ये आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इसके पास पेपर दिखाऊंगी और फिर ये दिखाऊंगी कि इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो पीएमएस और सीएसएस में सेम है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम इसमें छोड़ सकते हैं यानी चॉइस में, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सिर्फ हमने पीएमएस के लिए करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ तो इसके पीएमएस के पेपर है ना, तो जो बच्चे पीएमएस में अपियर हो रहे हैं वो अभी वही परी चीजें तैयार करेंगे जो सिर्फ पीएमएस के लिए। तो आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है जिसे पंजाबी स्पीक करनी आती हो? कोई भी नहीं सर, फिर मैं खुद ही स्पीक कर लूंगी पंजाबी, फिर उसके बाद ना आपने भी पीछे पीछे करते आना है, आप लोगों को बोलनी आ जाएगी पंजाबी। नहीं मैम, बोलनी आती है पंजाबी, पंजाब से तल्लक है। ठीक है, फिर आप लोगों ने यस भी पंजाबी बोलनी है साथ, ठीक ठीक है मैम। है हारून? ओके मैम, चलिए, साढ़े पंजाबी देना दो पेपर होंगे हैं, पंजाबी सीएसएस वास्ते भी साढ़ी ऑप्शनल है ते पीएम वास्ते भी ऑप्शनल है। सीएसएस दे विच पंजाबी 100 नंबरां दा हुंदा है ते पीएमएस दे विच पंजाबी साढ़ा 200 नंबरां दा हुंदा है। ते कोई ऐसा बच्चा जिहदा मार्जिन कम हो जांदा है किसी भी पेपर चों सीएसएस दे, तो अपने पंजाबी दे पेपर विच अपना मार्जिन पूरा कर सकदा है, क्योंकि पंजाबी साड़ी पंजाब दी अपनी जबान है, साड़ी मादरी जबान है, ते एग्जामिनर कदी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं बच्चे नूं कम नंबर देवां ते दूसरे बच्चे या उस तो बाद आने वाले बच्चे नूं ओप ना करन, ये तो कदी भी नहीं चाहेगा। चलिए आप हुण आपां इहदा सिलेबस देख लेने हैं। पहला जिहड़ा अपना क्वेश्चन आ, इहदे विच इंट्रोडक्शन हुंदा पंजाबी दा ते पंजाबी मिला। पंजाबी मिलाद दे विच आपां इह कहने आं कि पंजाबी लिखी दी किदां वा, यानी उहदे हिजे किदां कीते जे हुंदे आ, उहदी जेर किदां दी हुंदी आ, जबर किदां दी हुंदी आ। इह मुख्तलिफ इलाकां दे विच ना जिहड़े इहदे लहजे हुंदे आ पंजाबी दे मुख्तलिफ हुंदे आ, मतलब जिद्दां साडे भावलपुर वाले आ पंजाबी होर तरह दी बोलदे आ, जदों इत्थे सराइकी बोलदे आ उह वी होर तरह दी बोलदे आ, जिहड़े मुल्तान वाले आ उह होर तरह दी बोलदे आ, थोड़े थोड़े लफ्ज़ां नूं खिंच के थोड़ा लंबा करके, ते जिहड़े लाहौर वाले होणगे उह होर तरह बोलणगे, ते जिहड़े फैसलाबाद वाले आ उह ते होर वी फिर घणी चौखी बोलदे आ ना पंजाबी। अच्छा ते हुण आपां इहदा क्वेश्चन नंबर जिहड़ा पहला वाला इह हो गया इंट्रोडक्शन ते पंजाबी मिला, यानी पंजाबी दी इंट्रोडक्शन दे विच आपां इही लिखणा कि पंजाबी हुंदी की आ, पंजाबी फुटी कित्थों सी। हुण किसी इलाके विच इह कहणगे कि पंजाबी फुटी कित्थों सी ते किसी इलाके विच इह कहणगे कि पंजाबी फुंगरी कित्थों सी। जिहड़े पंजाब दे लोग आ जिहड़े पंजाबी बोलदे आ उहनां नूं पता होणा कि फुंगरन दा मतलब वी फुटना हुंदा ते फुटना दा मतलब वी निकलना हुंदा, यानी दोनों लफ्ज़ां दा मतलब इही हुंदा निकलना, एग्जिट होना यानी कि। आप पीछे जिन्होंने गाने बनाए है ना, चुप कर जाओ जरा। पहला चलो तुसी बोलो फिर मैं रहन दिनी हूँ। सरे ते अपना पहला क्वेश्चन यही हो गया पंजाबी मिला, तो इंट्रोडक्शन जिहड़ा अपना दूजा क्वेश्चन आ, दूजा क्वेश्चन अपना कंबाइन आ, यानी सीएसएस दे विच भी हैगा वा ते पीएमएस दे विच भी हैगा वा। आपां इहदे विच शायर करने आ बाबा फरीद करना वा, शाह हुसैन करना वा। सर जी थले करो पेपर नू। हां जी इत्थे ही, बस बस इत्थे रहन दो। बाबा फरीद करना वा, शाह हुसैन करना वा, सुल्तान बाहू, बुल्ले शाह, वारिस शाह ते मियां मोहम्मद बख्श। ये जिहड़े शायर मैं तुहानू हुण दस्से आ ना, ये कंबाइन आ सीएसएस दे विच भी ते पीएमएस दे विच भी।
हाँ अगर कोई ये विचू चॉइस भी छोड़ना चाहे तो कोई एक दो इदा दे होण के जेड़ा आप छोड़ सकते हैं वो तुहानू मैं बाद च दसूंगी केड़े केड़े छोड़न वाले आ ते केड़े केड़े तुसी छोड़ सकते हो। ठीक है ये जेड़ी हैगी है ना जेड़े हुण मैं तुहानू दसी है बाबा फरीद शाह हुसैन सुल्तान बहू बुल्ले शाह वारिस शाह ते मियां मुहम्मद बख्श ये आपां बेटा सीएसएस दे विच भी तैयार करने आ ते पीएमएस दे विच भी तैयार करने आ दोनों में तैयार करने आ। उस तो बाद अपना तीजा क्वेश्चन आ ख्वाजा गुलाम फरीद ते सस्सी हाशिम शाह उदां ते आपां कहिंदे आ ना सस्सी पुन्नू ते जदों हाशिम शाह ने लिखी सी ना सस्सी ते हुण सारे कहिंदे आ कि जिहड़ी सस्सी आ ना हाशिम शाह ने खोह ली सी पुन्नू दे कोल ए बच्चे आपां सिर्फ पीएमएस दे विच तैयार करने आ ख्वाजा गुलाम फरीद ते सस्सी हाशिम शाह ये सीएसएस दे विच आपां तैयार नहीं करने। अगे अपना क्वेश्चन आ अहमद राही अहमद खरल तुसीं पढ़ी होनी उहदे बारे जिहड़ा झांबरां दे विचों सी ना अंग्रेजां दे नाल जिहड़ा लड़िया सीगा अहमद राही शरीफ गंजाई जिहड़ा अहमद राही आ उह आपां सिर्फ सीएसएस दे विच करना ते जिहड़ा शरीफ गंजाई आ उहनूं आपां सिर्फ पीएमएस दे विच करना। अगे अपना हैगा वा बाकी सदीकी मुनीर नियाजी ते डॉक्टर फकीर मुहम्मद फकीर दे मवाते ये आपां कंबाइन करना वा दोनों दे विच। ठीक हो गया अगे आपां करना वा पीर फजल गुजराती भी करना वा रऊफ शेख भी करना वा आ अपना जिहड़ा वा ये हैगा वा सीएसएस दे विच ते माजन नौशा गंजबख्श ये बहुत इंपोर्टेंट आ क्वेश्चन ये आपां करना वा कंबाइन यानी सीएसएस दे विच भी करना ते पीएमएस दे विच भी करना वा। सच्ची सरकार ये सिर्फ सीएसएस दे विच करना वा पक्की रोटी भी हुंदी आ पक्की रोटी आपां करनी आ पीएमएस दे विच ते असी इक इहनूं वधो वध जिहड़ा ना पक्की रोटी नूं चॉइस दे विच छोड़ दित्ता हुंदा अगर आपां इहनूं ना भी करांगे ना तो पेपर अपना पूरा हो जाएगा। उस तो बाद बचे अपना हैगा वा सजाद हैदर उहनूं करना वा आपां इशफाक अहमद नूं करना वा ए पीएमएस वास्ते मंशा याद नू करना वा ते अनवर अली नू करना वा ए भी अपना पीएमएस दे विच हैगा वा सीएसएस दे विच नहीं हैगा। फरखंदा लोधी आ गए ओ जिहदी कश्मीर दी कहानी है कुड़ी दी फरखंदा लोधी अफजल हसन ते सजाद हैदर ये आपां सिर्फ सीएसएस दे विच करने आ। ते अगे जिहड़े आपां करने वा असाफ यादव पंजाबी बोली दा पिछोकड़ आ क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है बच्चे तुसी सारा पेपर चाहे छड़ दो पर एक क्वेश्चन नहीं छड़ना तुसी पंजाबी बोली दा पिछोकड़ हिजे इसरात लसानियत ते कहानी ये अपना कंबाइन वा सीएसएस दे विच दी पीएमएस दे विच भी। अगे लोक गीत भी बहुत इंपोर्टेंट आ पेपर अपना पेपर वन ते पेपर टू हुंदे आ ना ओ थानू अगे चल के मैं दसना वा कि पंजाबी बोली दा पिछोकड़ पेपर वन दे विच आउंदा ते लोक गीत पेपर अपने टू दे विच ते केड़ा अपना पेपर टू दे विच होर की आउंदा वा। लोक गीत लोक कहानी ते अखाण सिखां दी वार अगे आपां ना तीन वारां करनियां वा सिखां दी वार चठियां दी वार ते मुल्तान दी वार ए सीएसएस दे विच नहीं हैगियां ये सिर्फ हैगियां वा अपनी पीएमएस दे विच। अगे बिना बेटा आपां करना वा मजमून निगारी ते तर्जमा निगारी हुण मजमून निगारी 30 नंबरां दा मजमून आपां लिखणा वा जिदा आपां मजमून लिखीदा ना सीएसएस दे विच इंग्लिश दा ते पीएमएस दे विच भी आपां लिखीदा अपना जिहड़ा मजमून हुंदा ना 30 नंबरां दा हुंदा वा ते जिहड़ा अपना तर्जमा आपां करना वा उहने आपां नूं एक पैराग्राफ दे देना इंग्लिश विच आ पैराग्राफ अपना सेम हुंदा वा उर्दू वाले पेपर दे विच भी ते इंग्लिश वाले पेपर दे विच भी इंग्लिश विच उहने देना वा उर्दू दा जिहड़ा पेपर होएगा ना आपां उर्दू विच ट्रांसलेट करना वा जिहड़ा पंजाबी विच पेपर दे विच आएगा ना उहनूं आपां पंजाबी दे विच ट्रांसलेट करना वा। इहनूं हुण ए जिहड़ा पैराग्राफ आ ना इहनूं करन दा सब तों आसान तरीका केहड़ा वा एक पैरा तुसीं चुकणा वा किसी भी क्लास च लै लो मैट्रिक च लै लो बीए च लै लो एमएससी च लै लो जिथे तुहानू मर्जी मिलदा है चाहे तुसी डॉन न्यूज पेपर दे विच लै लो एक पैराग्राफ तुसी चुक के ना उर्दू दा तुहानू उर्दू दा सही लगदा उर्दू दा चुक लो तुहानू अंग्रेजी दा सही लगदा तुसी अंग्रेजी दा चुक लो एक पैराग्राफ चुक के ना ते उहनू तुसी ट्रांसलेट करना वा यानी अगर तुसी उर्दू दा चुकिया ना ते ओहदी इंग्लिश बनाउणी है फिर उसे पैराग्राफ दी तुसी पंजाबी बनाउणी है। ठीक हो गया फिर तुसी इंज करना वा किसी भी अखबार दे विचों एक पैराग्राफ चुक के ना यानी कितों भी चुक लो 10 लाइनां चुक लो 5 चुक लो 3 चुक लो इंग्लिश दी लाइनां चुक लो या तुसी हाँ इंग्लिश दी लाइनां चुक लो उहनूं तुसी ट्रांसलेट करो उर्दू विच मतलब तुहानूं अगर पंजाबी औखी लगदी है तुहानूं नहीं पता लगदा पिया कि पंजाबी विच तुसी किदां बोलना वा किदां लिखणा वा तुसी उहनूं उर्दू विच ट्रांसलेट कर लो उर्दू विच जदों ट्रांसलेट हो गया ना उहनूं माड़ा मोटा चेंज कर लोगे ना तुसी ते फिर भी काम चल जाएगा एग्जामिनर ने फिर भी सैटिस्फाई रहना वा उन्हें नहीं गलत करना थोड़ा।
अच्छा हुण मैं सिलेबस है क्या अपना? किसी ने होर कुछ पूछना मेरे तो? अगे हुण मैं तुहानूं पेपर दिखावां कि पेपर 1 च की हुंदा ते पेपर 2 च की हुंदा वा। किसी ने पूछना वा कुछ? थानू मेरी आवाज आ रही है या मैं उदा ही लगी हूँ? जी मैम, आवाज आ रही है। जी यस मैम, आ रही है। पूछना है किसी ने कुछ? सिलेबस ही समझ आ गई थानू? चले ज्यादा नहीं आई तो माड़ी मोटी तो आई होनी है ना। सारे नु थोड़ा जो ऊपर करियो, पेपर दिखाइयो थले नु। सब तो पहला अपना जो पेपर 1 आ ना, पेपर 1 दे विच उन्हां ने आपां नु शेर देने आ, आपां उहदी ट्रांसलेशन करनी है, मतलब उहदी आपां तशरीह करनी है, ट्रांसलेशन नहीं, उहदी आपां तशरीह करनी है। ठीक है, ये अपना 20 नंबरां दा हो गया। सर उत्ते करियो थोड़ा पेपर। उस तो बाद उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान होंगे हैं। अगर तुसी पंजाबी दी किताब एक दफा भी तुसी उन्हें माड़ी मोटी नजर फेर ली है ना उन्हें, तो फिर भी तुसी इतना उहदे आंसर दे सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हैं, उस तो बाद फिर उन्हें 3-4 क्वेश्चन देने हैं, मतलब 100 नंबर इतने थोड़े पूरे हो जाने हैं। पहला क्वेश्चन दे 20 नंबर हो गए, फिर 10 नंबर दे या 20 नंबर दे शॉर्ट क्वेश्चन आ, फिर उस तो बाद जो दूजा उहदा हिस्सा वा, एक क्वेश्चन भी 15 नंबर का, दूजा क्वेश्चन भी 15 नंबर का, एक क्वेश्चन उतो करना वा 10 नंबर का। जो क्वेश्चन नंबर जिथे 7 लिखा होगा ना, वो तुसी मस्ट करना वा, उन्होंने नहीं छाड़ सकते। बाकी जिन्हें भी क्वेश्चन है ना, उन्होंने चॉइस होनी है, तुसी कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो तो कोई भी क्वेश्चन छाड़ सकते हो। हर एक पार्ट के विच तुसी 2 क्वेश्चन करने लाजमी है। तो जो थोड़ा दूजा पेपर होंगे वा ना, पेपर बी दे विच 10 नंबर की ट्रांसलेशन भी आपां करनी है, तो उहदे विच मजमून भी लिखना वा। हुण दसो हुण कुछ कुछ पूछना वा तुसी, या आपां फिर कुछ पढ़ लईए कोई टॉपिक, या कोई होर कोई गल पूछनी तुसी? अज मेरे ख्याल च बच्ची नहीं आई जिहड़ी क्वेश्चन करदी हुंदी है। किसी ने कुछ पूछना वा बच्चे, या थानू मेरी समझ नहीं आ रही या आवाज नहीं आ रही? नहीं मैम, समझ आ रही है। नेट का इशू है कुछ लोगों का। अच्छा हुण तुसी कुछ पूछना वा, या आपा कोई टॉपिक कर लीए नहीं पेपर मैम, दे बाद? टॉपिक कर लो, समझ आ गई है सिलेबस की। टॉपिक स्टार्ट समझ आ कर। गई? जी, स्टार्ट कर लो। जिहड़ा अपना पेपर होंदा वा ना, पेपर 1, पेपर 1 दे विच 20 नंबरां दा एक क्वेश्चन होंदा वा, पंजाबी बोली दा पिछोकड़। पिछोकड़ तो तुसी समझदे हो ना की होंदा वा, मतलब ए हिस्ट्री वा, आहो मतलब ए वा कि किते रिश्ता जब लैण जाए ना, तो उन्हां कोल पुछीदा होंदा वा थोड़ा दादा की करदा सी, किहड़े तुसी खानदान नाल तालुक रखदे हो, जिहड़ी बरादरी दे हो तुसी। तुसी जदों आए सी तो कितों आए सी? जलंधर आने तो आए सी जां अमृतसर तो आए सी? इदां दे ना लोग क्वेश्चन पुछदे आ, ते यही ऐसे नु कहीदा पंजाबी बोली दा पिछोकड़। पंजाबी बोली दा जदों आपां पिछोकड़ करदे आ ना, तो उहदे विच आपां मुख्तलिफ जिहड़ी पंजाबी बोली आ ना, जदों मुख्तलिफ लोग जदों हिजरत करके आए सी ना, ते मुख्तलिफ इलाकियां दे विचों आए सी ना, ते सारी गल आ जदों मुख्तलिफ इलाकियां दे विचों आए सी, तो उन्हां दी जबाना भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ सी। किसी दा लहजा पोठहाड़ी सी, किसी दा लहजा माझी सी, किसी दा कोई लहजा सीगा, किसी दा कोई लहजा सीगा। जदों इत्थे आके सारे इकट्ठे रहन लग पए ना, एक दूजे नाल उन्हां दी गलबात हुई, ते फिर जदों सारी चीजां जदों एक मतलब मुख्तलिफ चीजां एक जगह ते आपां इकट्ठे रख देने आ ना, ते जिदां एक सेब ला लो, एक सेब ना खराब हुंदा वा जदों आपां किसी साफ टोकरी दे विच रख देना, ते 2-3 उसी दिन भी तुसी हिसाब लै लो, उसी दिन भी बाकी जिहड़े सेब हुंदे आ ना माड़े माड़े खराब होण लग जांदे आ, यानी उहनूं रंग चंग चढ़ पैंदा उहदा। ते सेम इसी तरीके नाल जिहड़ी आपणी पंजाबी आ ना, पंजाबी जदों इत्थे लोकी आए सी हिजरत करके, माइग्रेट करके इत्थे आए सी, ते एक दूजे दी जिहड़ी बोली आ ना उहदा रंग चढ़न लग पिया सी उहनां नूं कुछ, यानी उहनां दे जिहड़े वर्डिंग आ ना इंटरचेंज होण लग पए सी, कुछ उहनां ने अडोप्ट कर ले सी, कुछ जिहड़ी आ उहनां ने छोड़ दित्ती सीगी।
ठीक है भाई, मैं तुम्हें सेंड कर दूँ अगर मेरे को हैगा ना क्वेश्चन तो। एक मिनट दियो बस मैं। नोट्स नहीं लगन दे, जेडे नोट्स लगते हैं ना फिर आप उतो ही एक कोई टॉपिक कर लेने हैं, फिर कल नु ज्यादा कर लेंगे आप।